हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को छोटी दिवाली एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अग्रिम बधाइयां। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव ऐसे ही बनी रहे और आप लगातार अपने सुख समृद्धि के और विकास पर और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहे। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। और इधर भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, तो एक और जीत का खुशी का तोहफा आपको मिल गया है। तो अपन डील करने जा रहे हैं आज, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनेस्थेटिक गैस वेपोराइजर, जो कि आपके एनेस्थेसिया के अलग अलग तरीके से जो चैम्बर्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की गैस भरी हुई होती है और उन गैस को अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से, इसमें भी गैस अलग अलग होती है, यानी अलग अलग जो चैम्बर होते हैं या वेपोराइजर होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की गैस होती है। तो उन गैस के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली एम्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। 2019 में भी डेली एम्स ने इमेज देकर के एक क्वेश्चन पूछा था कि येलो कलर में कौन सी गैस है, तो वो देखते हैं। और इस ट्रिक को देखने के लिए आपको याद करने के लिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। और इसी ट्रिक में आपको मैं याद कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। तो आपको देखे कि कौन कौन सी गैस होती है और कौन कौन से वेपोराइजर का कलर में कौन कौन सी गैस आपको देखने को मिलेगी। तो एनेस्थेटिक गैस में आपको ट्रिक याद रखनी है, देसी होम, डी ई एस आई, देसी एंड होम, देसी होम, देसी होम से आप। और आपको इधर में याद रखना है बॉय प्रेम राम, जो बॉय आपका प्रेम राम है वो कहां पर रहता है, देसी होम में रहता है, यानी कि जो बॉय प्रेम राम है आपका, जो बॉय है प्रेम राम वो कहां पर रहता है, तो देसी होम में रहता है। तो देसी होम में आपका बॉय प्रेम राम रहता है। और इस ट्रक और इस ट्रिक के माध्यम से अपन एनेस्थेसिया के जो गैस वेपराइजर होते हैं जिनका कि अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से अलग अलग उसमें गैसेस होती है उनके बारे में डील करने जा रहे हैं। तो जो देसी होम, दे का डी का मतलब होगा डैश फ्लोरान, डैश फ्लोरान, ई का मतलब होगा एनफ्लुरेन, एस का मतलब होगा सेवफ्लुरान, आई का मतलब हो गया आइसोफ्लुरेन एंड ओम का मतलब होगा हेलोथेन। ये आपको इस माध्यम से याद रखना है कि देसी होम, देसी होम में आपके जो भी गैसेस होती हैं वो आ गया और बॉय प्रेम राम में आपकी जो कलर कोडिंग होता है वेपोराइजर का वो आ गया। तो डी से हो गया डैश फ्लोरान, ई से एन फ्लोरान याद रखना है, एस से सेव फ्लोरान, आई से आइसोफ्लोरान एंड ओम से हेलोथेन याद रखनी है। तो उसके बाद में देखते हैं कि इनके अनुसार इनका कलर कोडिंग क्या होगा। तो कलर कोडिंग के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ। कलर कोडिंग में B4 यानी डैश फ्लोरान और डैश फ्लोरान का जो कलर होता है B, और B का मतलब हो गया ब्लू कलर की होगी। O में एन फ्लोरान, एन फ्लोरान जो होती है ऑरेंज कलर के वेपोराइजर होगा इसका। सेव फ्लोरान में येलो कलर का वेपोराइजर होता है। आइसो फ्लोरान में पर्पल कलर का होगा। एंड जो हेलोथेन होती है उसका जो रेड कलर का वेपोराइजर होता है। यानी कि जो ट्रिक थी अपनी देसी होम बॉय प्रेम राम, यानी कि जो बॉय प्रेम राम था वो आपका देसी होम में रहता है, यानी कि इसके माध्यम से याद करना था देसी होम, डी फॉर डैश फ्लोरान और डैश फ्लोरान होती है ब्लू कलर में होगी, ई फॉर एन फ्लोरान, एन फ्लोरान आपकी ऑरेंज कलर में होती है, सेव फ्लोरान का जो कलर होता है वेपोराइजर का येलो कलर होगा, आइसो फ्लोरान का पर्पल कलर होता है, हेलोथेन का रेड कलर होता है। तो देसी होम बॉय प्रेम राम के की ट्रिक से आपको याद रखना है कि जो आपका बॉय बॉय प्रेम राम है वो देसी होम में रहता है। तो इस तरीके की इस ट्रिक से माध्यम से आप आसानी से इजी वे में बिना भूले बिना रटे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही मोर ट्रिक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो या फिर हमारे वीडियो का जो आप ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरीके से सीख सकते हैं बिना रटे, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको हैप्पी दिवाली आपके परिवार को और आपको पूरे परिवार की तरफ से, बाजीराव नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।